हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूँ। आज जो मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आई हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंट और बीमारी के बीच में डिफरेंस को समझाया है, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और बात करते हैं आज के इस केस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो केस है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस श्रीमती मौसमी भट्टाचार्य एंड अदर्स के बीच का है। इंश्योरेंस कंपनी के तहत एक्सीडेंट से हुई मौत शामिल होती है। इसमें वो घटनाएँ भी शामिल होती हैं जिसका अंदाज़ा इंसान नहीं लगा सकता कि कब, कैसे और क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बीमारी किसी कीड़े के काटने से या वायरस के कारण आई हो तो वो एक्सीडेंट की डेफिनेशन में शामिल नहीं करी जा सकते, पर इस मामले के जो फैक्ट हैं उनके आधार पर पेनफुल कंडीशन को एक्सीडेंट माना जा सकता है, अगर ऐसा अनअपेक्षित और अचानक ही हुआ हो। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने ये टिप्पणी उस समय की जब वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ किसे कहते हैं उस मामले पर सुनवाई कर रहे थे। खंडपीठ ने इस मामले में उस सवाल का जवाब दिया जिसमें ये पूछा गया था कि क्या मोजाम्बिक में मच्छर के काटने से हुई मलेरिया के कारण हुई मौत एक्सीडेंट की मौत में शामिल है या फिर नहीं है। बेंच ने इस मामले में नेशनल कंज्यूमर कमीशन के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई कर रहे थे। कमीशन ने बीमा कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया था कि मच्छर के काटने से हुआ मलेरिया एक बीमारी होती है, ना कि कोई दुर्घटना। कई विदेशी कोर्ट द्वारा भी दिए गए ऐसे ही फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जब इंश्योरेंस का लॉ बनाया गया तो एक एक्सीडेंट और बीमारी के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस भी सामने आया। इसके साथ ही मानवीय घटनाओं के तहत ये देखा जा सके कि क्या एक्सीडेंट की पॉलिसी के तहत बीमारी भी शामिल होती है। इस थ्योरी को एक विस्तार में कहा गया है कि एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जो कि अनिश्चित और अनअपेक्षित होती है, इसलिए ये समझ में आता है कि अगर नेचुरली कुछ हो जाता है तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। यही आधार है कि जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि बीमारी किसी एक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन के तहत नहीं आती है। वायरल फीवर या फिर फ्लू से पीड़ित कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बिल्कुल सच है कि किसी बीमारी के लगने से चांस या संभावना शामिल होती है। जब एक इलाके में कोई वायरल बीमारी फैली हो तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को वो बीमारी लग जाएगी, किसी किसी को वो बीमारी लगना चांस की बात होती है, पर जिसको ये वायरल बीमारी लगी है वो ये नहीं कह सकता कि एक एक्सीडेंट हुआ है। ये फ्लू उसे प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे से लगा है। एक मच्छर द्वारा काटना और उससे मलेरिया हो जाना इसमें चांस का फैक्ट है, पर जो बीमारी किसी कीड़े के काटने के कारण हुई है उसे एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता, खास तौर पर उस इलाके में ऐसी बीमारी होना जिस इलाके में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मोटर कार एक्सीडेंट जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके कारण कोई व्यक्ति मर जाए या अपाहिज हो जाए तो ऐसी घटना एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत आ सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं के तहत अगर कोई बीमारी होती है या लग जाती है तो वो एक्सीडेंट की परिभाषा के तहत नहीं रखी जा सकती। आयोग ने आदेश को रद्द करते हुए बैन से कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत एक्सीडेंट से होने वाली मौत शामिल है। एक्सीडेंट वो घटना है जो कि अनअपेक्षित और अनिश्चित होती है, पर इस मामले में बीमाकृत व्यक्ति की मौत मलेरिया के कारण हुई है। इस मामले में दलील दी गई कि मच्छर द्वारा काटना अनअपेक्षित घटना है जिसे एक्सीडेंट माना जाना चाहिए, पर हम इस दलील से सहमत नहीं हैं कि बीमाकृत व्यक्ति मोजाम्बिक में रहता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार मोजाम्बिक की जनसंख्या 29.6 मिलियन है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के 5% मलेरिया के केस पाए जाते हैं। ये भी पाया गया है कि मोजाम्बिक में हर 3 में से 1 व्यक्ति को मलेरिया होता है। ऐसे में मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी मलेरिया को एक्सीडेंट नहीं माना जा सकता। ये ना तो अनिश्चित है और ना ही अनअपेक्षित है, इसलिए ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत संकट या जोखिम वाला बीमा नहीं हो सकता।
उसके बाद कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए कहा कि बीमाकृत व्यक्ति को जो पैसा दे दिया गया है उसे बीमा कंपनी वापस नहीं ले सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।